लाठी प्रतियोगिता में साउथ एशियाई चैंपियनशिप 2023 में खिलाड़ियों ने इतिहास रचा है। दुर्ग पहुंचते ही सभी खिलाड़ियों का रेलवे स्टेशन पर गाजे बाजे के साथ भव्य स्वागत किया गया। लाठी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन छत्तीसगढ़ की टीम ने प्रथम साउथ एशियन लाठी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2023 में अपना परचम लहराया है, जिसके चलते पांडिचेरी में आयोजित प्रतियोगिता में कुल 5 देशों ने हिस्सा लिया था। वहीं भारत और छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए छत्तीसगढ़ की टीम के प्रतिभागियों ने अपनी अपनी कैटेगरी में बेहतरीन प्रदर्शन कर पदक हासिल किया, जिसमें सभी खिलाड़ियों ने लाठी फाइट, डेमो एवं फाइट में स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक हासिल किया। इस अवसर पर दुर्ग रेलवे स्टेशन पहुंचे खिलाड़ियों का लोगों ने बाजे गाजे के साथ भव्य स्वागत किया। इस संबंध में न्यूज टीम को उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। खेल है और आप लोग कैसे खेले? ये खेल है कि हमें सामने वाले को मारना होता है और सामने वाले को रोकना होता है, डिफेंस करना होता है। और अगर हम उन्हें मारे तो हमें पॉइंट मिलेगा और अगर वो हमें मारे तो हमें उनको पॉइंट मिलेगा। ऐसा ही खेल है। हम लोग पौंडीचेरी गए थे खेलने। क्या स्थान मिला? मेरे को सिल्वर मिला मुझे। मैं भी पौंडीचेरी साउथ एशियन गेम्स खेलने गई थी, जिसका फर्स्ट साउथ एशियन लाठी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप था, उसमें मेरा लाठी फाइट में गोल्ड मेडल है। ये खेल, इसमें दो दो मतलब बाउट्स बनते हैं अलग अलग, जिसमें अलग अलग जगह से लोग आते हैं और फिर उसके बाद एक ही वेट और एक ही एज कैटेगरी, एज और वेट कैटेगरी के लोग रहते हैं। फिर उसके बाद उनको उनको स्टार्ट करवाते हैं, खिलवाते हैं और फिर उसके बाद जिसने पहले पॉइंट लिया उसको पॉइंट मिलता है। और इसमें वार्निंग्स भी रहती हैं। डेमोन्स्ट्रेशन में ये रहता है कि आपको टाइम दिया जाता है, स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है, उस टाइम तक आपको अपना परफॉर्मेंस देना है, आपको शो करना है कि आप लाठी किस किस तरीके से आप घुमा सकते हैं या फिर उससे खेल सकते हैं। ऐसा हम छत्तीसगढ़ से हैं और हम यहाँ पे लाठी स्पोर्ट्स खेलने आए थे, साउथ एशियन चैंपियनशिप। हाँ, गोल्ड मेडल और डेमो और लाठी फाइट। मैं लाठी स्पोर्ट्स के लिए गया था पौंडीचेरी में। जोर से बोला। कैसा लगा खेल, किस तरह? अच्छा लगा मुझे खेल के। पोजीशन ये है सर कि पहला प्रथम साउथ एशियन लाठी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप था, जो कि आयोजित पौंडीचेरी में किया गया, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के जो चयनित जो टीम थे, 22 बच्चे जो गए थे छत्तीसगढ़ से सिलेक्शन होके, वहां पर उनका जो परफॉर्मेंस था, 13 गोल्ड, 7 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ छत्तीसगढ़ पे सेकंड पोजीशन पे आज ये आयोजित किया गया, जिसमें रनर अप छत्तीसगढ़ को मिला। सर, ये साउथ एशियन गेम था, फर्स्ट साउथ एशियन गेम, जिसमें 5 कंट्रीज़ आई थी, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका। और ये बहुत ही बड़े लेवल का एक टूर्नामेंट था। इसके बाद अगर सिलेक्शन होता है तो बच्चे आगे एशियन खेलने जा सकते हैं, जो कि अक्टूबर में दुबई में ऑर्गेनाइज होने के चांसेस हैं। मतलब अभी फिक्स, ये लाठी स्पोर्ट्स है सर, लाठी स्पोर्ट्स। हाँ जी, छत्तीसगढ़ के लाठी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के बच्चे इस टीम में खेलने गए थे वहाँ पर, और यहाँ से 22 बच्चे गए थे टोटल खेलने, जो बिलासपुर की टीम से भी थे, यहाँ की भिलाई की क्रिएटिव कराटे, जो हम लोग क्रिएटिव स्पोर्ट्स एकेडमी, हमारा जो क्रिएटिव लाठी स्पोर्ट्स एकेडमी, वहाँ के बच्चे थे, जामल स्कूल के बच्चे थे, उदय पब्लिक स्कूल के बच्चे थे और डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे थे जो वहाँ पर खेलने गए थे। और जी, मेरा नाम अंजना राजवीर सिंह, इंस्ट्रक्टर लाठी स्पोर्ट्स एकेडमी छत्तीसगढ़, और जो मेन हमारे डायरेक्टर हैं वो ये। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।